ई उपहार पोर्टल का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। यह एक नीलामी पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपतियों को दिए गए चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाएगी। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके पहले चरण में लगभग 250 उपहारों की नीलामी होगी, जिसकी बिडिंग 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी और नीलामी से प्राप्त आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। भारत ने रूस से प्राप्त S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ युद्ध जैसे परिदृश्य में परीक्षण किया। इस परीक्षण के परिणाम काफी सकारात्मक हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एक अभ्यास में S-400 प्रणाली ने 80% दुश्मनों को मार गिराया और शेष 20% को पीछे हटने और मिशन को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां आपको बता दें कि रूस के S-400 को भारतीय वायुसेना ने भगवान कृष्ण के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन नाम रखा है। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित ADPC यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में भारत ने ADPC की अध्यक्षता संभाली। भारत की अध्यक्षता 2024-25 के लिए होगी। ADPC की स्थापना 1986 में गैर लाभकारी स्वायत्त क्षत्रिय संगठन के रूप में की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और उभरते नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। भारतीय महिला शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी वो बन गई हैं। इससे पहले रमिता जिंदल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में जगह बनाई थी और निशानेबाजी में भारत को 12 साल बाद पदक मिला है। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस 2004 में पुरुषों के डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल के साथ शूटिंग में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग की अलग अलग कैटेगरी में लंदन 2012 खेलों में क्रमशः ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता था। भारत में आयोजित 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में 25 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। इन शामिल किए गए स्थलों में 19 स्थलों को सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रूप में शामिल किया गया, जबकि 4 को प्राकृतिक श्रेणी और 2 को मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई। इसकी मेजबानी दुबई में हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा की गई है। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया इंजीनियर्स को सशक्त बनाने की एक नई पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इंजीनियरों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, नॉलेज और नेटवर्क प्रदान करना है। इस फोरम में वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा, जिन्हें इंजीनियरों का सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। साइट्स ने भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान बनाया। अगरवुड की खेती भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में की जाती है। एक्विलारिया मेलाकेंसिस या अगरवुड एक सुगंधित पेड़ है। इसे गहारू के नाम से भी जानते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तेजी से ग्रोथ करता है। इसके विकास के लिए जरूरी तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% के करीब। इसका उपयोग अरोमा इंडस्ट्री, मेडिसिन निर्माण, एयर फ्रेशनर और प्यूरिफायर निर्माण में किया जाता है। इसे IUCN की गंभीर रूप से संकटाग्रस्त सूची और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। जिया राय दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी। उन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार किया। जिया ने 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एप्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया।
इस दौरान उन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। जिया राय अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक हैं। विकलांगता होने के बावजूद उनके नाम पर कई उपलब्धियां दर्ज हैं। वे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस सफलता को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित लोगों को सोशल कम्युनिकेशन और बातचीत में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसे एक आजीवन डिसऑर्डर माना जाता है। वर्तमान में धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वास्तविक नंबर नहीं होता, बल्कि मनचाहे नंबर को चुनने और कॉलर आईडी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह की प्रैक्टिस में कॉलर आईडी जानकारी में हेरफेर करके एक अलग नंबर प्रदर्शित करना शामिल है, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल किसी वैध स्रोत से आ रही है। उदाहरण के लिए, आपके पास जो कॉल आया है उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय या उसके आसपास के पुलिस स्टेशन या आपके किसी करीबी रिश्तेदार की कॉलर आईडी दिख रही है। ऐसे में लोगों को लगता है कि सच में यह फोन वैध स्रोत से आया है, जबकि सच्चाई यह है कि फर्जी नंबर और कॉल के जरिए आपको गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के कॉल में आपको डराकर पैसे की मांग करना या अन्य तरह की डिमांड भी की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली से आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। यह पहल ऐसे उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करने के लिए शुरू की गई है जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हों। इसके अलावा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचार ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा देगा। इसमें 7 विषयों, जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई कचरे को कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों और स्वस्थ जीवन शैली को शामिल किया गया है। DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा 1DAE1 सब्सक्रिप्शन ODOS का उद्घाटन किया गया। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसकी सभी इकाइयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों के साथ साथ वैज्ञानिक पत्रिकाओं को पढ़ने और प्रकाशित करने में सक्षम बनाता है। आगे जाकर इसे राष्ट्रीय पहल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ विलय कर दिया जाएगा। इसके लिए विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्प्रिंगर नेचर ग्रुप के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सतत विकास में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक ले आया गया। इस विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन संशोधनों में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है और पहले से परिभाषित अपराधों की सजा को दोगुना करने का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बनाया गया है। इसके अलावा विधेयक में अब लव जिहाद की व्यापक परिभाषा भी शामिल की गई है। ब्राजील में पहली बार ओरोपाउच फीवर से मौत का मामला सामने आया। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 लोगों की मौत ओरोपाउच फीवर की वजह से हुई है। अभी तक दुनिया भर में इस बीमारी से मौत की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। चलिए ओरोपाउच फीवर की बात करते हैं। यह एक ट्रॉपिकल वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके लक्षण डेंगू जैसे हैं। ओरोपाउच वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है जो अक्सर क्यूलिकोइड्स पेरेंसिस मिज के काटने से फैलता है। इसका नाम ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में स्थित ओरोपाउच नदी के नाम पर रखा गया है, जहां पहली बार 1955 में इसका पता चला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुरू होने वाले 2 दिवसीय राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। इस सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता जैसे फोकस क्षेत्र शामिल है। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य के समक्ष प्रस्तुति देंगे। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी ने की थी। डेन्यूब नदी के निचले हिस्से में स्टर्जन मछली की 4 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इन्हें विश्व स्तर पर सबसे अधिक संकटाग्रस्त मछली प्रजातियों में से एक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट में 2016 से 2023 तक अवैध स्टर्जन मछली पकड़ने और व्यापार के मामलों पर प्रकाश डाला गया, जिनसे 1031 स्टर्जन मछलियां प्रभावित हुईं। लोअर डेन्यूब बेसिन स्टर्जन मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन के कुछ हिस्से शामिल हैं। कानूनी संरक्षण के बावजूद भी शेष स्टर्जन मछली के अंडे और मांस की उच्च मांग के कारण अवैध शिकार अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। डेन्यूब नदी में पूर्व में पाई जाने वाली 6 स्टर्जन प्रजातियों में से 2 प्रजाति यूरोपीय स्टर्जन और शिप स्टर्जन को स्थानीय रूप से विलुप्त माना गया है।
पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में जानकारी प्रस्तुत की। यहाँ पीएम प्रणाम से तात्पर्य है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ से है। इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले वर्ष मंजूरी दी थी। इस पहल का उद्देश्य सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को बल प्रदान करना है। इन प्रयासों में उर्वरकों के सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड उपयोग को बढ़ाना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं। इसका कोई अलग से बजट नहीं है, इसका वित्त पोषण मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से ही किया जाना है। भारत को IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत सप्लाई चेन काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसका अध्यक्ष अमेरिका को चुना गया है। सप्लाई चेन IPEF ढांचे के तहत चार स्तंभों में से एक स्तंभ है। इसका मुख्य उद्देश्य IPEF सप्लाई चेन को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाना है। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो इसे मई 2022 में टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था, जिसमें 14 देश शामिल हैं। इसका मकसद क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाना है। इसके चार स्तंभों में ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी शामिल हैं। भारत IPEF के चार स्तंभों में से ट्रेड को छोड़कर शेष में शामिल हो गया है, जबकि ट्रेड में पर्यवेक्षक का दर्जा भारत का बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था। प्रीति सूदन वर्तमान में UPSC के सदस्य हैं। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 1 अगस्त से शुरू होगा, जो 29 अप्रैल 2025 तक या अगले आदेश तक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 और अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसकी जानकारी मिलती है। आयोग के एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी 1 अगस्त को हर साल मनाई जाती है। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। वे स्वराज के बारे में विचार को लोकप्रिय बनाने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार में और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी काम किया। उनका लोकप्रिय समाचार पत्र केसरी था। उन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जैसी लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन में वृद्धि दिखाई दे रही है। जारी हुए आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि स्टील और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्यूमिनियम में यह वृद्धि ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निरंतर मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा करती है। पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारत के शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्हें यह मेडल पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मिला है। इसी के साथ भारत की इसमें मेडल संख्या 3 हो गई है। असम सरकार 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ झूमुर नृत्य के प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य चाय जनजातियों के बीच प्रचलित पारंपरिक कला झूमुर की लोकप्रियता को बढ़ाना और झूमुर कलाकारों को प्रेरित करना है। यह असम के चाय जनजाति समुदायों का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य असम में शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। इस नृत्य को आमतौर पर अनुष्ठान पूजा और वर्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इस नृत्य को खुले स्थान में किया जाता है, जिसमें पुरुष गायक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और उनके गले में ढोल लटकता रहता है। महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर नृत्य करती हैं। इसके पहले 11,298 कलाकारों द्वारा एक ही स्थान पर बिहू नृत्य करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। कार्यक्रम की शुरुआत स्किल इंडिया डिजिटल हब पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सेल्फ लर्निंग बेसिक्स एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के शुभारंभ के साथ हुई। इसके तहत महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण, नॉलेज और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य लगभग 25 लाख भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाना है। हर साल 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। यह स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
जो माँ और बच्चों दोनों के लिए जरूरी है। इस वर्ष की थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल रखी गई है। ब्रेस्ट फीडिंग से कोलेस्ट्रम प्राप्त होता है और यह कोलेस्ट्रम नवजात और बच्चों को बीमारी से बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग नवजात के लिए पहले टीके की तरह काम करता है जो बीमारियों और मृत्यु से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ब्रेस्ट और ओवेरियन के कैंसर जोखिम को कम करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2024 का अनावरण किया। यह नीति स्थानीय भाषाओं के फिल्मों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिससे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिले। इसके अलावा फिल्म शूटिंग अनुमतियों और सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल जम्मू कश्मीर फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज और फ्रेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित कई पहलों पर शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में एक स्थायी फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार तंजानिया सरकार मसाई जनजाति को उनकी पैतृक भूमि से जबरन बेदखल कर रही है। दरअसल तंजानिया सरकार ने 2021 में अपनी पुनर्वास नीति तैयार की थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक पर्यटन और संरक्षण उद्देश्यों के लिए एंगोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र से मसाई आबादी को हटाना था। इस पुनर्वास योजना को 2022 में लागू किया गया था। मसाई जनजाति की बात करें तो यह नीलोटिक जनजातीय समूह से संबंधित है, जो केन्या और उत्तरी तंजानिया के चुनिंदा लेकिन बड़े हिस्सों में निवास करती है। मसाई लोग माँ के नाम से जानी जाने वाली एक भाषा बोलते हैं, जो नाइलो सहारन भाषा से संबंधित है। मसाई लोग समुदाय संपत्ति के रूप में बच्चों और मवेशियों को मानते हैं।